देख रहे हैं भारत समाचार, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी में बहुमत मिलने के बाद आज होगा मंथन, ये बड़ी खबर के साथ। यूपी में आज बहुमत मिलने के बाद मंथन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मौजूद रहेंगे दिल्ली में, साथ ही वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक करेंगे सीएम योगी नाथ। सीएम बैठक में स्वतंत्र देव सिंह भी और साथ ही सुनील बंसल के साथ मौजूद रहेंगे। तो आज दिल्ली में बैठक होगी बहुमत मिलने के बाद। दिल्ली में आज मंथन जारी रहेगा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे सीएम। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, तमाम बड़े नेता मौजूद आज आपको दिल्ली में दिखेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद अब मंथन दिल्ली में जारी, अहम बैठक ये मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवैस इस खबर पर जुड़े हैं। अवैस, आज वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लगेगा, दिल्ली में मंथन होगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पे आज दिल्ली में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद पहली बार आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे और यहाँ पे दिल्ली मुख्यालय में बताया जा रहा है कि दिल्ली में किस तरह से आगे सरकार को काम करना है और किस तरह से कौन कौन लोग कैबिनेट में शामिल होंगे, कौन कौन से मंत्री होंगे, इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो मंथन होना है आज की बैठक में। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल जो है वो भी इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। फिलहाल हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आज देर शाम तक ये बैठक होने की संभावना जो है वो है। साथ ही अवैस, ये बैठक कितनी अहम होने वाली है 22 के 5 साल के कार्यकाल के लिए भी और साथ ही 24 के लिए भी? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो जीत मिली है वो साफ तौर पे जिस तरह से पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसके ऊपर जनता ने एक तरह से मोहर लगाई है कि जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात करते थे और ये कहा जाता था गुंडागर्दी जो है और माफिया जो है उत्तर प्रदेश से भाग गए, उनको खत्म कर दिया गया है, उस चीज के ऊपर जो है जो दावा किया जाता था योगी आदित्यनाथ की सरकार के जरिए, उस दावे के ऊपर मोहर लगाई है और कहीं ना कहीं किसानों के लिए जिस तरह से काम करती किया है बीते 5 साल में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, उन तमाम चीजों से आप देख सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन चला, जिस तरह से नाराजगी जताई जा रही, इसके बावजूद भी 46 से ज्यादा सीट फर्स्ट फेज में ही बीजेपी ने जीती है। तो साफ तौर में कहीं ना कहीं एक इशारा करता है कि किसानों में हो सकता है बाहरी तौर पर कोई नाराजगी दिख रही हो लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है वो नाराजगी नहीं थी। इस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों और जो सरकार की नीतियों का फायदा किसानों को मिला, कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसानों ने। बहुत-बहुत शुक्रिया अवैस तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें ये अहम बैठक मानी जा रही है। जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार बीजेपी कार्यालय दिल्ली में पहुंचेंगे, साथ में सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। आगे के कार्यकाल को लेकर समीक्षा बैठक ये आज होगी और बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है और साथ ही 24 के लिए भी पिच तैयार करने की पूरी